Hey guys, welcome back to my new another vlog. I hope आप लोग बहुत ही अच्छे से होंगे। तो आज तुम्हारा भाई लेकर आ चुका है ग्रैंड सेंट्रल पार्क, मुंबई का सबसे फेमस पार्क है। तो आज आपका भाई एक्सप्लोर करने वाला है, तो चलो लास्ट तक ब्लॉग देखना, लेट्स गो। यहाँ से आप लोग देख सकते हो एंट्री गेट और काफी अच्छा व्यू है यहाँ से, तो वाओ। और ये फवारे लाजवाब। और कहाँ से घूम के आ रहे हैं तुम लोग? अभी कहाँ जा रहे हैं? अंदर जा रहे हैं पार्क में, फर्स्ट टाइम है? फर्स्ट टाइम नहीं, पहले आ चुके। अच्छा, पहले आ चुके। कैसा है पार्क? नहीं, मैं आया था। पार्क कैसा है? बहुत बड़ा है, आने का फर्स्ट नंबर पे। आने पे आपको कहाँ देखा है? अच्छा, थैंक। तो यहाँ ये पार्क के पंटर लोग मिल चुके हैं भाई। कैसा है पार्क? अच्छा है ना? अच्छा है, इन लोग फर्स्ट टाइम जा रहे हैं। तो पार्क का कुछ इस तरह का आपको इंटर का व्यू देखेगा, आपको फवारे अंदर जाकर आपको पूरा बताएंगे। एक्सप्लोर करने वाला है तुम्हारा भाई नमो सेंट्रल पार्क। ये छोटे बच्चों लोग को एंट्री नहीं है, तो अभी हम लोग एंट्री कराएंगे, देखेंगे एंट्री करते हैं कि नहीं। अभी तो पता ही नहीं, इन लोग को एंट्री नहीं देते छोटे छोटे बच्चों को। अंदर लेके मैं भी जाएगा भाई, और पेरेंट्स को लेकर आने के लिए बोलते कि भाई पेरेंट्स या बड़े भाई या दोस्त लेकर आएंगे। बहुत छोटे छोटे ज्यादा है ना, तो देखते हैं अपन एंट्री तो कराएंगे। चार जने, चल चल तेरे तुम लोग को एंट्री कराते। हाँ तो गाइस, यहाँ से आप लोग देख सकते हो क्राउड सब टिकट ले रहे हैं, तो अपन भी जाकर टिकट लेते हैं। टिकट का प्राइस है 20 रुपीज, और तुम लोग भी चलो लेके चलते हैं इन लोग को भी। ये देख सकते हो क्राउड, देख सकते हो अभी, और कुछ इस तरह का आपको बाहर का व्यू देखने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस यहाँ पे आपको बग्गी मिलेगा। किसके लिए अलाउ है? सिर्फ सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप। सीनियर सिटीजन और हैंडीकैप के लिए अलाउ है बस। और देख सकते हो यहाँ पर पूरा गार्डन में आपको घुमाया जाएगा, ऑनली फ्री, फ्री में घुमाया जाएगा। और स्पेशल नीड है ऐसा क्यों दिया है? जिसको लगा है जो आने वाला है इमरजेंसी, उसको भी अपन एग्जिट करने के लिए बाहर छोड़ सकते हैं। अच्छा, एग्जिट करने के लिए भी बाहर? हाँ, इमरजेंसी में जिसको लगा, जो गिरा, जिसको खून निकला, जिसको मोच आया, अच्छा कुछ भी प्रॉब्लम हुआ तो आप बाहर भी छोड़ सकते हैं। और जो गर्भवती औरत लोग रहता है उनको भी फ्री डिलीवरी सर। ओके ओके ओके। यहाँ पे गाइस आपको बहुत सारे एक्टिविटीज आपको देखने के मिल जाए, और बहुत ही अच्छी वाइब है, बहुत ही अच्छे से डेकोरेशन बच्चों के लिए, आप बड़ों के लिए, बहुत ही मज़ेदार आपको ये वीडियो होने वाला है और ये गार्डन होने वाला है। तो यहाँ से आप लोग देख सकते हो ये बच्चों लोग के लिए खेलने के लिए कुछ इस तरह का बनाया हुआ है ट्री हाउस। और तकरीबन इस गार्डन में आपको 3000 दरख्त आपको पेड़ मिल जाएंगे। से इन लोगों को परमिशन ले, इन लोग के साथ कोई नहीं था, तो अपन लोग तो अंदर लेकर आ रहे, और अपने साथ ये गाड़ी में घूम रहे भाई। और अपने को परमिशन मिल चुकी है भाई कि तुम लोग घूम सकते हो, पूरा हम लोग का आप लोग की मोहब्बत है ना, घूम सकते हो। अभी 8 फेब को ये ओपन हुआ था, बट अभी ऐसा लग रहा है कि बहुत पुराना है, तो ये सही है। तो बहुत सारे एक्टिविटीज़ है यहाँ पे से आप लोग देख सकते हो, बहुत ज़्यादा एक्टिविटीज आपको इस गार्डन में। टोटल आपको बता दूँ तो 20 एकड़ में है ये, इतना बड़ा भाई। मज़ा आ रहा है, देखो आ रहा है ना, देखो आ रहा है। यहाँ पे गाइस आप लोगों को झूले, बच्चे लोग झूलते हुए, और यहाँ पे जस्ट आपको फवारा और ये भूल भुलैया। तो बच्चे लोग बहुत सारे एंजॉय कर रहे, पेरेंट्स एंजॉय कर रहे, और चिल्ड्रन बच्चे सब एंजॉय कर रहे भाई। एक भाई और वीडियो बना रहे थे, क्या बोलते हैं, बनाओ भाई बनाओ। यहाँ पे आपको भूल भुलैया देखने के लिए मिल जाएंगे। और क्या है, क्या मेज किसको बोलते हैं? ये मेज है और वो विक्ट्री हिल है। ये मेज है? हाँ, तो ये सही है कि मतलब एक गार्डन में बहुत सारे आपको एक्टिविटीज़ देखने के लिए मिल जाएंगे। देख रहे हो बहुत क्राउड है भाई, 8 फरवरी को ओपन हुआ है, और देख ही सकते हो क्राउड, देख ही सकते हो इधर पे। तो बच्चे लोग खेलने के लिए जिद कर रहा है, तो आ जाओ आप लोग चिल्ड्रंस अपने पेरेंट्स के साथ आ जाओ, आप बहुत सारा इंजॉय करो, बहुत सारे एक्टिविटीज़ है आपको यहाँ पर करने के लिए, देखने के लिए, और बहुत सारा एंटरटेनमेंट करने के लिए मिल जाएंगे। तो गाइस ये है मेज, और अपन विक्ट्री पहाड़ पे, यार बच्चे लोग यहाँ पे चढ़ने उतरने का कुछ एक्टिविटीज़ कर रहे हैं, तो ये सही है देखने के लिए आपको मिल जाएंगे इधर पे। तो ये काफ़ी अच्छा लग रहा, तो अपन भी आकर थोड़ा
एंजॉय कर लिए। 8 बच्चे लोग हैं यहाँ पे, तो अपन भी थोड़ा कर ही लेते कुछ ना कुछ, अपन तो बच्चे ही है ना भाई। अरे वाह, आपको हर तरफ बच्चे लोग को एंटरटेनमेंट और उसके साथ साथ पेरेंट्स भी ले रहे हैं मजे, तो आप लोग को भी घूमने का इरादा कर रहे हो तो भाई आ जाओ ग्रैंड सेंट्रल पार्क में, काफ़ी मज़ा आने वाला है। और बच्चों के लिए आप लोगों को खेलने के लिए बहुत सारा मस्ती करने के लिए और फवारे हैं, नहाने, स्विमिंग पूल भी है, सारे चीज़ करने के लिए। ये आपको गार्डन बहुत ही इंटरटेनमेंट सा लग रहा है भाई, कोई फेस्टिवल है और गार्डन नहीं, फेस्टिवल जैसा मनाया जा रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है इधर पर। आप हाँ तो गाइस, आपको कहाँ घूमना है, सिंगापुर घूमना है, थाईलैंड घूमना है या फिर जापान घूमना है, सब यहाँ का आपको फील मिलने वाला है। देख सकते हो यहाँ पे सिंगापुर के जैसा सेम टू सेम ब्रिज बनाने की कोशिश है, यहाँ से आप लोग देख रहे हो सिंगापुर के आपको ब्रिज मिल रहे हैं देखने के लिए। यहाँ पे लोग बैठे हुए हैं और इन्जॉय कर रहे हैं और बहुत ही अच्छा आपको यहाँ पे का व्यू लगेगा। और यहाँ पे आपको वाटरफॉल, तो यहाँ हाँ तो गाइज आपको कहाँ घूमना है, चाइना, जापान, सिंगापुर, सब यहाँ पे आपको फील आने वाला है। मैप के साथ आप लोग सब जगह जा सकते हो इस गार्डन में लग रहा है। और यहाँ पे आपको सिंगापुर का पुल दिखने के लिए मिल जाएगा, ब्रिज देखने के लिए मिल जाएगा, सेम टू सेम दर्शाने की कोशिश की। और यहाँ का जो लेक है ना, आप लोग बोटिंग करते हुए काफ़ी अच्छे लगेंगे शाम के टाइम। गार्डन में आते हो ना, कूड़े वगैरह अगर मिलेंगे तो बहुत अच्छा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, ड्राई वेस्ट, प्लास्टिक वेस्ट, वेस्ट वेस्ट आपको इस डालने के लिए मिल जाएंगे। और यहाँ का जो व्यू है ना, यहाँ से आप लोग व्यू देख सकते हो आप लोग, और जिम खाना है, सारी एक्टिविटीज आप लोग यहाँ पर कर सकते हो, बस लौंडियाबाजी नहीं करना। यहाँ से आपको जो व्यू देखने के लिए मिलेगा ना भाई, देखते ही रह जाओगे, हर देश का आपको इस गार्डन में मज़ा आने वाला है। तो आ सकते हो आप लोग बहुत फटाफट, बहुत सारा एंजॉय, एंटरटेनमेंट और बहुत अच्छा आपको पिकनिक प्लान हो सकता है। तो आओ यार मज़े करो यार, आप लोग को व्यू दिखाता हूँ मैं, ये देखो ये है व्यू। शाम के 6:30 बज रहे और हर तरफ अभी लाइट चालू हो गई है और लोग यहाँ पे भाई, यहाँ पे कैमरा बंद ही नहीं हो रहा लोगों का और अपना भी तो बंद ही नहीं हो रहा है। बहुत डिफरेंट टाइप में ये इस गार्डन को बनाए हैं। ये है क्या? ठीक हो भाई, नाम नहीं मालूम बट यहाँ पे आप लोग गिटार टाइप में ऐसा है, यहाँ पे फोटो वोटो ले सकते हो आप लोग, ये देखो। हेलो, अच्छा लग रहा है आपको? बहुत अच्छा लग रहा है। आपको भी? आप भी? हेलो, कैसे हो? अच्छे हो? आप कैसे हो? अच्छे। अच्छा लगा ना आपको? अच्छा लगा, खेलो, हाय करके खेलो। तो अभी इस गार्डन का व्यू दिखाने वाला कुछ इस तरह का है भाई, ये देखो, आपको मुगल गार्डन भी देखने के लिए मिल जाएंगे, ये देखो भाई, वोटोकन गार्डन। हमारा भी ले भाई, कैसा लग रहा है आपको भाई? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। तो यहाँ पे आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? आना चाहिए, आना चाहिए भाई, आना चाहिए भाई। कैसा लगा आपको ये नेचर? बहुत बहुत अच्छा लग रहा है, एक बार देखो। 20 रुपए में क्या ही चाहिए तो भाई, हाँ 20 रुपए में क्या ही चाहिए तो आज फुल एंजॉय। वाइब आ रही है, खतरनाक वाइब आ रही है भाई लोगों को। यहाँ पे ये है मुगल गार्डन, और भी इस तरफ भी है और इस तरफ भी है। मेरे चैनल का नाम सोलो फ्लाइंग है ब्रो, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, शेयर करो, ओके। यहाँ पे हर देश का आपको फील आ सकता है इस गार्डन में। तो ये है मोरक्कन गार्डन, ये है आपका मुगल गार्डन, तो क्या ही चाहिए भाई। और आगे भी है, जैपनीज भी है, तो वहाँ भी जाएंगे। तो ये है गाइस मुगल गार्डन, और मुगल गार्डन का सेम टू सेम आपको बना हुआ है, एंट्री जो करते हैं ना कुछ इस तरह का आपको गेट देखने के लिए मिल जाएगा, और अंदर जाते हुए आपको फवारे, फोटो वोटो और वीडियो वीडियो निकालने के लिए बहुत ही बेस्ट रहेगा। यहाँ पे लाइट जल रही है,
ये लाइट जल रही है और यहाँ और मीनार में लाइट जल रही है, तो ये अच्छा लगा। ओपन नहीं हुए बट यहाँ से आप लोगों को पूरा फील आएगा एकदम दिल्ली के जैसा, आगरा के जैसा कुछ इस तरह का फील है पूरा कुछ। तो अभी आपका भाई लेके जा रहा है जैपनीज गार्डन में और कुछ इस तरह आपको देखने के मिल रहा है, लोग फोटो ले रहे हैं और जैपनीज पे हर तरफ आपको लाइट है, झाड़ है और कुछ इस तरह आपको लकड़ी पत्थरे देख रहे हैं और जैपनीज गार्डन है ये देखो, कुछ जैपनीज गार्डन की तरह लोग फोटो ले रहे हैं। हाउस बना हुआ है, घर बना हुआ है, क्या लिखा हुआ है इसके बारे में, पर कुछ लिखा हुआ जाने दो अपने को पढ़ने का नहीं। जैपनीज गार्डन आपको देखने के लिए मिल जाए, लोग फोटो ले रहे हैं, हाय बाय। ये हर तरफ आपको फील आएगा, मुगल गार्डन, मोरक्कन गार्डन, जैपनीज, चाइनीज गार्डन, आपको सब गार्डन यहाँ पे आपको देखने के लिए और मिल जाएगा, फोटो वोटो लेने के लिए, वीडियो करने के लिए। तो ये सही है कि मतलब हर चीज़ का आपको यहाँ पर इंतज़ाम किया है आप सब, तो बहुत सारी फैसिलिटी है, आप लोग यहाँ पर आकर बहुत सारा फैसिलिटी का लुत्फ अंगोज हो सकते हैं। तो यहाँ पे अभी 7 बज चुके हैं कुछ इस तरह का, हर तरफ आपको इस गार्डन में लाइट जल चुकी है और क्राउड तो पूछो ही मत भाई, क्राउड बहुत नेक्स्ट लेवल का क्राउड है, हर तरफ आपको भीड़ और भी आगे कुछ बहुत ही खतरनाक चीज दिखाने जा रहे हैं आपको। तो अभी आ चुके हैं हम लोग चाइनीज गार्डन के पास और चाइनीज गार्डन का हाउस आपको फील आएगा जब इस गार्डन में जब आएंगे तो आप लोग, और ये हाउस आप कुछ इस तरह सेम टू सेम लुक जैसा देने की कोशिश की है, तो ये सही है। और पूरा ये चाइनीज गार्डन है, दीवारें हैं और ये हाउस। इस गार्डन में आपको सबसे बेस्ट फ्लोरा ट्रेल्स, आपको फोटो वीडियो लेना हो अंदर जाकर आप लोग बहुत सारा आप लोग सिनेमेटिक वीडियो निकाल सकते हो, आप लोग ब्लर जो भी चाहिए आपको वीडियो फोटो सब यहाँ पे आप ले सकते हो। कुछ इस तरह का आपको लाइट अंधेरे में जल रही है और शाम के 7 बज रहे तो और भी खूबसूरत लग रहा है, लाइट जल रही है ऊपर, आपको झाड़ नेचुरल यहाँ पे आप लोग गाइस चेस प्लाजा, यहाँ पे चेस भी खेल चलने के लिए बच्चे लोग खेल रहे देख सकते हो आप लोग, हम भी खेलने जा रहे हैं अभी, बहुत मज़ा आने वाला है। गाइज यहाँ पर आप लोग आकर बहुत सारा इंटरटेनमेंट कर सकते हो और अच्छा बहुत अच्छा है आप लोग, ये सब बच्चे लोग को एंट्री नहीं है बट हम लोग ने एंट्री करा दी, अच्छा लगा ना, देखो अच्छा लगा ना, सिर्फ मुंडी झुला रहा है, अच्छा हाँ बोल, अच्छा लगा मेरे को, हाँ अच्छा लगा इसको, पूरा गार्डन फर्स्ट टाइम आया ना तू, फर्स्ट टाइम आया, इन लोग को नहीं आने दे रहे थे फिर भी घुमाए। और यहाँ पे अभी शाम के 7 बज रहे और व्यू देखो यार, हर तरफ लाइट जली हुई है और ये 11 बजे तक ऑन रहेगी अभी तक। गाइज ये है प्ले जोन और यहाँ पे फुटबॉल खेल सकते हो आप लोग, टेनिस खेल सकते हो, यहाँ पे स्केटिंग कर सकते हो, तो अंदर जाके आप लोगों को स्केटिंग और यहाँ पे फुटबॉल वुटबॉल, यहाँ पे आपको बास्केटबॉल, यहाँ पे तो सारा चीज़ का यहाँ पे आपको फैसिलिटी मिलने वाला है, तो भाई आ जाओ यार। आपको बास्केटबॉल खेलने के लिए आपको पर्सनल बास्केटबॉल लेकर आना पड़ेगा और बस जस्ट बाजू में आपको फुटबॉल प्ले जोन है, आपको भी वो भी फुटबॉल भी लेकर आना पड़ेगा पर्सनली, तो ये यहाँ पे आपको खेलने के लिए प्ले जोन एरिया है, आप लोग बास्केटबॉल, फुटबॉल, स्केटिंग सब कर सकते हो। हाँ तो गाइस ये रहा ग्रैंड सेंट्रल पार्क, यहाँ पे आपको बहुत सारी चीज़ें देखने के लिए मिल जाएंगे, जैपनीज आपको हाउस, चाइनीज हाउस, मुगल आपको गार्डन मिल जाएंगे देखने के लिए, बहुत ही मज़ा आने वाला है इस गार्डन में और काफ़ी बड़ा महाराष्ट्र का सबसे बड़ा गार्डन है, 8 फरवरी को ओपन हुआ है और काफ़ी मज़ा आया यहाँ पे, आप लोग इंजॉय करते हुए लोगों को देख सकते हो और लाइट है और नेचर है, हर तरह चेस खेल रहे हैं लोग, तो ये सब आप लोगों को एकदम फेस्टिवल जैसा आपको देखने के लिए यहाँ पे आपको मिल जाएंगे, देख सकते हो फेस्टिवल जैसा, फेस्टिवल में भी इतने लोग नहीं रहते, इतने जन यहाँ पे क्राउड है भाई, बहुत मज़ा आने वाला और बहुत ज़्यादा फैसिलिटी, क्लीनिंग आपको बहुत नेचर ही नेचर आपको देखने के लिए। अगर ब्लॉग अच्छा होगा तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं आपको नेक्स्ट ब्लॉग में, अभी के लिए बाय बाय।